ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलेन। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं लैपटॉप या पीसी से आप तत्काल टिकट किस प्रकार आप बुक कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं विदाउट सॉफ्टवेयर आप लोग तत्काल टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं, जिसमें आप पहले से ही यूजर नेम, अनमाइजोनी, पैसेंजर डिटेल, एड्रेस और बैंक डिटेल पहले से ही सेव करके रख सकते हैं, वो भी विदाउट सॉफ्टवेयर। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी आप पर्सनल डिटेल जो फिल करके रखते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से रखते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ पे विदाउट सॉफ्टवेयर कैसे आप फिल कर सकते हैं। ये ट्रिक्स का यदि आप लाते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो सिंपल आपको करना क्या है, जब भी आप तत्काल टिकट बुक कर रहे होंगे, यदि आपको स्लीपर बुक करना है या फिर एसी बुक करना है, तो 3 से 4 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। क्योंकि अभी जो है लॉग आउट का प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए आपको 3 से 4 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। यानी स्लीपर बुक करना है तो 10:57 में लॉगिन करना है। तो लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद को सिंपल आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है। यहाँ पे तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। आपको जो ये प्रोसेस करना है 11 बजने से पहले ही आपको लॉगिन कर लेना है। इसके बाद प्लान माई जोनी सेलेक्ट करना है। तो मुझे आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए बुक करना है, तो मैं आनंद विहार से मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो डेट ऑफ जर्नी आप जैसे कि आपको 28 तारीख है तो 28 तारीख को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ कोटा आपको जनरल सेलेक्ट करना है। इसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जिस ट्रेन में बुक करना है कल के डेट में, वो ट्रेन आपको सेलेक्ट कर लेना। मान लो कि मैंने बिहार से मनकांति में कल के डेट में तत्काल बुक करना है, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल करना है। तो मैं पैसेंजर डिटेल सिंपल मैं फिल कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने नाम फिल कर दिया, एज मेल फीमेल। इसके बाद बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपल मोबाइल नंबर फिल करना है, तो मोबाइल नंबर भी मैं फिल कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है। तो देख सकते मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हूँ, पोस्ट ऑफिस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे बिहार जाना है, तो मैंने बिहार यहाँ पे सिंपल सा सर्च कर देता हूँ। इसके बाद ये सब ऑटोमेटिक आपको पहले से ही फिल करके रख लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। ये प्रोसेस जो करना है आपको 11 बजने से पहले करना है, यानी 11 बजने से 1 से 2 मिनट पहले ये प्रोसेस आपको कर लेना है, तभी ये ट्रिक काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बैंक डिटेल पहले से ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट रहेगा, सिंपल आपको सबमिट करना होगा। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएंगे, ओटीपी आपको फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर आना है, तो कैप्चर यहाँ पे मेरे को फिल करना है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। जब आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो कैप्चर नहीं आता, सिंपल आपको सेलेक्ट करने क्लिक करने का ऑप्शन आएंगे, क्लिक करके कंटिन्यू करना होता है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पेमेंट ऑप्शन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे इसे मैं एक बार बैक करना है, बैक आपको करना ही पड़ेगा तभी ये ट्रिक काम करता है। तो फिर से मैं बैक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैक कर लिया, फिर से मैं होम पेज पे आ चुका हूँ। तो यानी कि इस पेज पे फिर से आपको रिटर्न 11 बजने से 20 सेकंड 15 सेकंड पहले आपको आ जाना है। इसके बाद सिंपल आपको जहाँ जाना है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर के लिए मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। डेट ऑफ जर्नी आपको जैसे कि कल का डेट बुक करना है तो डेट ऑफ जर्नी आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। कोटा आपको यहाँ पर तत्काल सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि तत्काल में आप बुक कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे सर्च का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे आपको सर्च कब करना है, 11:01 या 2 सेकंड में सर्च करना है, या फिर पहले से भी सर्च करके रख सकते हैं। इसके बाद आप जो सर्च करके ऑलरेडी पहले से आप रख चुके हैं, तो आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं टाइमिंग चल रहा होता है, तो यहाँ पर टाइमिंग देखना है। जैसे ही आपको यहाँ पर 11:01 से 2 सेकंड होता है, तो यहाँ पर मॉडिफाई सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको करना क्या है, जिस ट्रेन में आपको टिकट बुक करेंगे यहाँ पे बुकिंग खुल गया होगा, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे। इसके बाद बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। यस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या फ़ायदा आपको होने वाला है। देख सकते हैं पैसेंजर डिटेल पहले से ही फिल है ऑलरेडी, सिर्फ आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। तो मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आपको फिल हो भी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको सिंपल आपको टाइप करके फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल जो यहाँ पे फिल हो चुका है, सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंपल विहार सर्च कर देना है। इसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जब तत्काल टिकट बुक करे होंगे तो यहाँ पर सिंपल सेलेक्ट करना है, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ वेट, यही जो है प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। यदि आप 2 से 3 नाम बुक कर रहे होंगे तो 30 से 40 सेकंड वेट करना होगा, और 3 से 4 नाम होगा तो यहाँ तो 45 से लेकर 1 मिनट तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको नेट का स्पीड थोड़ा फास्ट होना चाहिए। जब भी तत्काल टिकट बुक करते हैं तो वाईफाई या ब्रॉडबैंड यूज किया कीजिए, कम से कम 20 से 25 MB स्पीड होना चाहिए, तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं पेमेंट पेज पर आने वाला हूँ, तो सेकेंड में पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसको सिंपल में कटा फटाफट कैप्चर फिल कर लेता, लेकिन जब तत्काल टिकट बुक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चर देखने को नहीं मिलेगा।
इसको देख सकते हैं मैं पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका हूँ। सिंपल यहाँ पे मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ जो वॉलेट यूज़ करता हूँ, वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद पेटीएम सेलेक्ट करेंगे, इसका पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेना मेरा ऑलरेडी मोबाइल नंबर पहले से ही सेलेक्ट होगा। तो देख सकते हैं मोबाइल नंबर मेरा ऑलरेडी पहले से ही सेलेक्ट है, मेरे को देख सकते हैं दो मोबाइल नंबर सेलेक्ट है क्योंकि दोनों मोबाइल नंबर से मैं पेमेंट करता रहता हूँ। इसके बाद सिंपल आपको प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएंगे, ओटीपी फिल करना है, इसके बाद वेरीफाई करना है और इसके बाद सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपको तत्काल टिकट बिल्कुल आसानी से बुक कर सकते हैं विदाउट सॉफ्टवेयर, क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही तरीके इस्तेमाल करता हूँ तत्काल टिकट बुक करते समय, क्योंकि कुछ एक्सटेंशन ऐसे है जो पेड वर्जन है और इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है जो भी आपको पहले से ही परचेज करना होता है। फ्री में चाहे तो आप ए ट्रिक्स का इस्तेमाल कर तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।